तो आज हम लोग खेलने वाले फनीस्ट इंडियन बूम 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 ऑटो गेम्स। ये देखो, मतलब जब आईडिया आई थी मेरे को तो मैंने यही गेम सर्च करके देखा था, और ये तो खतरनाक ग्राफिक्स वाला गेम है, कितना इंडियन है। देखो पेटूराम जी की अभी अभी शादी, हाँ तो बच्ची भी हो गई, क्या बोल रहा हूँ, शायद से पिताजी है मैडम जी के। बट अगर ऐसा ही रियलिस्टिक, मतलब ऐसा ही इंडियन गेम रहा तो मजा आ जाएगी। देखते ना फिर इंस्टॉल करके ही तो पता चलेगा कि ऐसा है भी या नहीं है। करते हैं प्ले। एंड आई हाय, क्या म्यूजिक है। वो वाओ वाओ, प्ले कर चुपचाप। एंड ये ग्राफिक्स फटे हुए मेरे को अभी से नजर आ रहा है, बट अंदर चल के देखा है। मिशंस या पार्किंग, भाई मिशंस कर दे। और अभी यार मतलब लाइक ठीक है। और ये ऐसे पहाड़ कौन से गेम की रहती भाई, क्या ये मैं पीछे देख सकता हूँ क्या। वो ये तो एकदम ऐसा लग रहा है मेरे पड़ोस में जो चाचा ऑटो चला था उसकी तरह देता है, लाइक एवरी इंडियन ऑटो ड्राइवर ऐसा ही दिखता हमेशा। ये अपनी टैक्सी है, टैक्सी को चलाएंगे और पहले इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और इंजन स्टार्ट हो गई, गाड़ी क्यों नहीं चल रही। अब वो क्या स्टाइल में बैठा बंदा, एकदम ऐसे साइड में हाथ मत कट जाएगा, अंदर डालना। ये कौन सा बटन है, और बोनेट खुल गया। ये कौन सी बटन है, अरे बाप रे डिक्की खुल गई। और ये डिक्की का कैमरा वाला क्यों है, देखो ये क्या है, वो गाड़ी जंप करती है। एंड ये भाई इंटीरियर, ये बाप रे जब यात्री बनाएंगे तो दरवाजा ऐसा खोलेंगे, कुछ ज्यादा कबाड़ गाड़ी नहीं है क्या ये, कैसा आवाज आ रहा है। तो दरवाजा खोल के ही चलते है ना, सब कुछ खोल के चलेंगे। यस, और अपनी ये खुली हुई गाड़ी लेके किधर जाने का भाई। वो इधर दुकान भी है, इतने धुंधले है कि ऐसा लग रहा है मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा नहीं, ये पोस्टर ही धुंधले है, पता नहीं क्या दिखा इसमें। और देखो डिटेलिंग देखो तुम गेम है भाई, वो पैर एकदम क्लच पे डाल रखा है। वाह क्या गेम है। और करना क्या अपने को, अब लोग मिशन करने वाले थे। इधर मैं गाड़ियां खोल के रख रहा हूँ, इधर इधर अबे इधर एरो दे रखा है, इधर से क्यों नहीं जा रहा फिर, व्हाट द हेल। अच्छा पहले पार्क करने का है, अब भी समझ में आया ना मुझे, ये रही पार्किंग अपनी। और क्या ये उसके बाद किधर जाने का है बे। अबे अपने गाड़ी में मैडम जी बैठ गया, दो दो। ये देखो मतलब दो दो नहीं, एक मैडम जी और उनके दो बच्चे बैठे है, पता नहीं सामने वाला बच्चा है उसका पति है, शायद से पति है, बट हाइट इतनी छोटी क्यों है। थोड़ा अपने को क्या, अपने को तो लेकर जाने का, इनको गेट खोल के चला रहा हूं ऑटो रिक्शा, इधर से तोड़ के जाएंगे क्या। अबे इधर पैसा देने का, नाका लगा दिए गेम वालों ने यहाँ पे, दे दो भाई पैसा, दे तो ऐड नहीं दूंगा मैं। चलो GTA 5 होता तो तोड़ के चले जाता मैं। और ये फ्लैश चालू करेंगे ना इसकी, मतलब हेडलाइट सेव इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से। अरे भाई ओह शिट, गाड़ी भी इतनी, मतलब इतनी फटे हुए गाड़ियाँ क्यों, मतलब ये अच्छा HD क्वालिटी में गाड़ी नहीं ला सकता था क्या बंदा जिसने भी गेम बनाया, इतनी फटी हुई गाड़ियाँ क्यों लाया इसने। और मेरी आंखें लेजिट जल रही है, इतना हैक्टिक दिन था ना, दो दो एग्जाम्स थे मेरे, नहीं दे दिया मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ा था पहले, मतलब शुरुआत से पढ़ते रहे ना तो एग्जाम्स आसानी से निकल जाती है। तो एक सब्जेक्ट का तो मैंने पढ़ रखा था, दूसरा सब्जेक्ट का थोड़ा कम पढ़ रखा था, तो दूसरा सब्जेक्ट में थोड़ा मुश्किल हुआ, बट जैसे तैसे यू नो कर लिया मैंने। बट कल और एक एग्जाम है, एंड अभी भाई इधर शाम के कितने बज रहे हैं, 17:51, मतलब की 5:51 हो रखे हैं। अब मैं शूट कर रहा हूँ 40-50 मिनट शूटिंग में, 40-50 में आधा घंटा लगेगा, अब आधा घंटा शूटिंग में लगेगा, फिर एडिटिंग में 3-4 घंटे लगेंगे, मैं सोऊंगा कब, पढ़ाई कब करूंगा पता नहीं। वो वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे, मैं लाइक कर दे रहा हूँ। और ये भाई इधर ट्रेन जा रही है, इतना कोई करता है किसी के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। तो किधर से आ रही है ट्रेन, वो मालगाड़ी, चलो मजा आ रही होगी लगता है अंदर वाले भाई। प्यारा गेम है ये, इंडियन गेम्स ना मेरे को बहुत प्यारा लगा है, बट थोड़े ग्राफिक्स अच्छे हो भाई, कोई बना यार अच्छे ग्राफिक्स वाला गेम। वो देखो कहाँ, वही सिटी के बाहर लेकर आए ये लोग पूरा, पता नहीं किधर जाने का है, ये रास्ता भी एकदम खतरनाक है, कहीं गिरा ना दूं मैं इन लोगों को। बट जो भी गो फटेले ग्राफिक्स है, बट छोड़ो भाई तुम सोचो रियल लाइफ में इतना प्यारा सा ब्रिज हो जिसके नीचे कोई भी पिलर्स ना हो, वाह भाई साइंस की ऐसी तैसी कर रखी है गेम वालों ने, डायरेक्ट बिना पिलर का ब्रिज, पता नहीं कितने दिन टिकेगा। व्हाट द हेल, ये देखो ये रोड है, बट मेरे को पता है वो रोड पे कभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि बस एक पोस्टर है जो चिपका रखा है गेम वाले ने। एंड हमारी टैक्सी ना एक खासियत है, AC की जरूरत ही नहीं है, हम दरवाजा खोल के चलाते हैं, तो नो AC ओनली नेचुरल हवा। भाई बड़े दूर जाने का लगता है बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है ये पे। भाई किधर जा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ पहाड़ नजदीक आ रहे हैं, रास्ता छोटा होते जा रहा है। बोले तो ये हमारी टैक्सी भी इतनी खड़ा रहे, कैसे हिल के चल रही है। एंड यस फाइनली, अबे ये कहाँ, ये पहाड़ के बीच में क्या बना रखा है ये, अभी क्या ये। और हाथ $700, पता भी कितना होता है $700। ये देखो इतना $1000 एक टैक्सी ड्राइवर को इतना सारा पैसा मिल रहा है, बाप रे बाप, लगता है टैक्सी ड्राइवर ही बनना पड़ेगा।
छोड़ो भाई, ऐसा सपने अपने तो ऐसे दिखाए थे, क्या पता नेक्स्ट मिशन में अनलॉक हो वो सारी चीजें, बट जो भी था ऐसे घर नहीं थे चलेगा, बट मजा बहुत आई। बट ऐसे घर रहते तो कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता भाई। ऐसा गेम कौन सा गेम है मेरे को बताओ, इतना रियलिस्टिक इंडियन गेम चाहिए मेरे को। जिधर ये ताजमहल यानी जो भी है, ये एक मंदिर टाइप है, ये एकदम झोपड़ी टाइप है, कौवा बैठा है, ये पेडू राम जी है, टैक्सी तो जैसे कैसी थी, ये देखो कितनी खूबसूरत। ऐसा गेम चाहिए मेरे को। नेक्स्ट कौन सा खेले, ऑटो रिक्शा, ये खेलेगा मॉडर्न ऑटो रिक्शा। अब इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। मॉडर्न ऑटो रिक्शा भाई कौन से एंगल से मॉडर्न है, मेरे को लगा एकदम ऐसे ट्रांसफॉर्मर वाली होगी, जो ऑटो से कभी एरोप्लेन बन जाती होगी, पानी में भी चलती होगी, उड़ने वाली ऑटो होगी। देखो ये एक गेम है टुक टुक ऑटो रिक्शा, जिधर पे पता नहीं ऑटो ड्राइवर के पास सुपर कार है, व्हाट द है। देखो सुपर बाइक भी, इतना प्यारा घर है, ये कितना खूंखार है भाई ऑटो ड्राइवर। ये क्या, ये इतने सारे फीचर्स है इस गेम में, पता नहीं ट्राई ही करना पड़ेगा। वैसे भी ये प्ले स्टोर के गेम्स इतना उल्लू बनाते हैं, इधर इमेजेस में कुछ और दिखाते हैं, गेम में कुछ और दिखाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। ये जो ऐसे फोटो में दिखाते वैसा गेम में क्यों नहीं दिखाते, पता नहीं। और व्हाट द हेल भाई, ये क्या, ये सुपर कार से ऑटो ठोक रहे, ऑटो को कुछ ना सुपर कार के चित्र उड़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं उस खतरनाक पोस्टर को देखने के बाद, गेम के स्टार्टिंग में वो पोस्टर आ गया था, क्या मतलब गेम में ऐसे एकदम रियलिस्टिक डिस्ट्रक्शन होता हो। अरे भाई देखो ये रेसिंग मोड में होता है, बट वो अनलॉक रखा है, पता नहीं कब अनलॉक होगा। बट अपने पास दो मोड अनलॉक दे, तो ओपन वर्ल्ड और दूसरा ऑफ रोड। क्या करे, ऑफ रोड करेगी ओपन वर्ल्ड, पहले ओपन वर्ल्ड कर लेते हैं। इसके पहले वाले गेम में वैसे भी ऑफ रोड ही तो था, वो पता नहीं सिटी के बाहर पहाड़ों के बीच में लेकर चले गए थे। और वो कितनी घटिया टैक्सी है ये, अपनी चलती भी है या नहीं, अभी ये मेरे को नहीं खेलना ही है ऐसा गेम। हट बस, काम करते हैं, इसको एक और चांस देते हैं ऑफ रोड मोड में जाके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए। वो देखो बोला था ना, जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा चांस देना चाहिए सामने वाले को। देखो चांस दिया तो कितना खूबसूरत सा गेम आ गया। तो ना यहाँ पे मैं ऐसा ये स्क्रीन हिला नहीं पा रहा, एंगल चेंज नहीं कर पा रहा, मेरे को ऑटो को सामने से दिखना था। ये ऑफ रोड है कि क्या, ये ऐसा ऑफ रोड होता है, हा? बादलों के ऊपर रास्ता बना दिए, उधर ऑफ रोडिंग करा रहे हमसे, वाह मजा तो आ रही है। टेम्पल रन ऑटो टेम्पल ऑटो रिक्शा टेम्पल रन, और लेजिट देखो ऑफ रोडिंग तो हो रही है। वाह अपने ऑटो ड्राइवर के नाच रहे भाई, थोड़ा एक और खेल के देखते हैं, बहुत मजा आ रही है खेलने में। इसका सिटी वाला मोड ओपन वर्ल्ड मोड बकवास था, बट ये गेम अच्छा है। तो ये लेवल वन ही, अबे लेवल टू अभी तो अनलॉक किया मैंने, इसको देखने के लिए क्या ऐड देखनी पड़ेगी, देख लेते हैं अभी। अबे यार दिखा दे भाई, अब मैं देखने के लिए रेडी हूँ, साला दिखा नहीं रहा। अरे यार कैसा, जब ऐड देखना होता है तब ये लोग नहीं दिखाएंगे, जब देखना नहीं होता तब बीच में टमका देते फिर ऐड को। खेलना था यार ये गेम, बड़ा ही प्यारा गेम था, तुम ट्राई कर सकते हो इसको। एनीवेज हम लोग चलते अपने तीसरे ऑटो रिक्शा गेम की तरफ, पता नहीं कौन सा ये शायद मैं खेल रखा है, ये ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। वो व्हाट द हेक भाई, ये GTA 5 की लेजेंड इमेज है चिपका रखा है। GTA 5 में ऑटो चलाऊ क्या मैं, कॉमेंट में बता देना। लास्ट एपिसोड में तो बस चलाया था मैंने, मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था भाई GTA 5 में बस कौन चलाता है, GTA 5 में सुपर कार चलानी होती है, क्या करूं। हमारा फ्रैंकलिन अभी अपने स्टोरी के हिसाब से बहुत गरीब है, वो पहले अमीर होगा फिर तो सुपर कार चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलते ना। चाहू तो मैं फ्रैंकलिन को सीधा अमेरिका तो, नहीं वो स्ट्रगल करना है थोड़ा GTA 5 में। तो हाँ आ रही GTA 5 की सीरीज, स्टे ट्यून्ड, मजा आएगी बहुत। ये खेल गया टू ऑटो ड्राइविंग गेम, वहाँ क्या नाम रखे भाई, और ये इतना रियलिस्टिक होने वाला है। हाँ फेक फोटो चिपकाते हैं, यहाँ पर एक और है जिधर के पोस्टर पे भी ये लड़की पता नहीं कहाँ ऑटो ड्राइवर पे चढ़ रही है, और ये सारे के सारे फोटोज AI जनरेटेड है, मतलब शायद। हाँ चलो मैंने अभी बोला था जज नहीं करना चाहिए फटाक से, तो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छा गेम हो जाए। ये रेटिंग तो बहुत बुरी है, गलती तो नहीं कर दिया उसको मौका देके। प्लीज इंडियन टू डोंट, क्या डोंट, इंग्लिश का वर्ड भी नहीं आ रहा। छोड़ो भाई सोऊंगा, फिर अच्छे से फ्रेश दिमाग से उठूंगा, तब मेरा दिमाग ढंग से काम करेगा, थक चुका हूँ मैं यार। एंड वो ये देखो इसकी नजर सीधा इसके तरफ, और ये लड़की भी इसके तरफ देख रही है कि ये लड़का इसके तो छोड़ के इसकी तरफ क्यों देख रहा है। एंड वो ऐड दिखा दी, तालियां, जब ऐड चाहिए थी तब तो नहीं दिखाया, अब दिखा रहे फालतू की ऐड। बंद करो यार इस ऐड को, कौन सा करे इसमें, पैसेंजर मोड, ऑफ रोड मोड, या फिर हिल एरिया। ऑफ रोड करते हैं। अबे ऐड क्यों 10 बार तो ऐड दिखा देते ये मेरे को चालू होने से पहले, पहले दिमाग खत्म, मेरा गुस्सा मत दिला दो। वाह अबे 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 ये कैसी ऑटो है, डैम यही अपने पास है, फिलहाल इनको परचेस करना पड़ेगा, तब पैसा नहीं है मेरे पास, 500 ये बस। चलो सिलेक्ट करो, लेवल 1 बैठिए मैडम जल्दी। वाह वाह सुन रहे हो म्यूजिक सुन रहे हो, और ये क्या निकल रहा है भाई, अरे बाप रे ये है ना इंडियन गेम, उसको बोलते हैं इंडियन गेम। हर जगह पेंटिंग्स की खूबसूरती है, क्या बैठो ना जल्दी कुचल के जाओगे तुमको, बैठे भी नहीं कोई यहाँ पे, ऐसे ही घूमते है। वाह गाँव में आ गए, मैं तो सनफ्लावर की खेती चल रही है, और अपनी ऑटो लेजेंड इतनी पावरफुल है की कहीं ना कहीं से चढ़ती है। अरे अरे और ये अपना भाई इधर अपना मेहनती लड़का मेहनत करके ऑटो चला रहा है और सनफ्लावर की खेती में घुसा रहा है, और ये क्या अपने आप क्या हो गया, ये यू फेल्ड, ऑटो ड्राइवर भी नहीं बन पाया मैं।
ऑटो ड्राइवर बना, उसमें भी फेल हो गया भाई। ऐसा मत बोला, आज ही दो दो एग्जाम्स देके आया हूँ मैं। ऑटो ड्राइवर मैं पास नहीं होगा तो एग्जाम, तुम प्लीज प्रे करो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए, दुआएं दो कि मैं पास हो जाऊं एग्जाम में। एनीवेज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले वीडियो तक, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट, बाय बाय, कल मिलते हैं।